हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपके फ्रेंड डॉली एंड वेलकम टू माय चैनल डॉल हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, जहां मैं आपको सिखाती हूँ न्यू न्यू हेयर स्टाइल्स, मेकअप प्रोडक्ट रिव्यूज एंड मेकअप ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बालों को क्रिम्पिंग करना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक माई बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो जैसा कि मैंने बोला है, आज मैं आपको सिखाऊंगी बालों को क्रिम्पिंग करना, जिसे करना बहुत ही आसान होता है। और जिसे करने से हमारे बालों को सबसे पहले तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्रिएट होता है, एंड सेकंड हमारे बालों को एक नया लुक प्राप्त होता है। सो इस क्रिम्पिंग करने से पहले हमें बालों को अच्छे से सुखाना चाहिए, एंड अगर हम बालों को अच्छे से ड्राई नहीं करेंगे तो हमारी मशीन को भी खराब होने का खतरा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड स्टार्ट माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आपको क्रिम्पिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, कि बालों की क्रिम्पिंग करना, जिसके लिए मैंने मशीन का जो टेम्परेचर है इसमें मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे रख रखा है। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। देन सबसे पहले हम एक सेक्शन को ओपन करेंगे, एंड जो इसके जो हमारे लेयर लेंगे हम थोड़ा पतला पतला लेंगे। लेयर लेने का तरीका, जो बाकी के बाल हैं इनको हम अपने क्लाइंट को पकड़ा देंगे, ताकि हमारे जो करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, बालों को हमारे जो क्लस्टर था या हमारी सेक्शन क्लिप होती है उसी से ऊपर की तरफ होल्ड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्रिम्पिंग करने से पहले बालों को पूरा ड्राई कर लेना चाहिए, मतलब कहीं से भी गीले नहीं होने चाहिए, 100% ड्राई होने चाहिए। सो आप जिग जिग करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसके लिए हम यहाँ से हम आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी वो मशीन है वो क्लाइंट के बॉडी को या स्कैल्प को टच ना करे। सो हम इसको ऐसे डिप डिप करके, जिससे कि हमारा बालों में डिजाइन आए, आप देख सकते हो डिजाइन क्रिम्पिंग हो रही है बाल। सो नेक्स्ट लेयर लेंगे, एंड अगेन एक सेक्शन लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह आप इसको लेंगे बालों को पतले पतले सेक्शन में, एंड अपनी क्रिम्पिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्रिम्प करने का एक फायदा होता है, जो बालों में एक तो हमारा डिजाइन आता है, एंड पार्टी में भी अच्छे से नया लुक मिलता है, एंड बालों को हमको हमारे जो बाल होते हैं उनको अच्छे से वॉल्यूम क्रिएट होती है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप बालों में डिजाइन या क्रिम्पिंग का जो होती है वो होने स्टार्ट अच्छे से हो रही है। तो नेक्स्ट हम फिर से क्लियर लेंगे, एंड यही प्रोसेस हम सभी बालों में करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सेक्शन जो होता होगा हमारा, उसको भी हम सेम वे में ही
लेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे अपनी क्रिम्पिंग करना। सेम वे में आपको क्रिम्पिंग करना बहुत आसान है, बस आपको टेक्निक का पता होना चाहिए। ज़्यादा हम जल्दी जल्दी भी नहीं करेंगे, थोड़ा प्रेस कस प्रेशर के साथ, ताकि जो हमारे क्रिम्पिंग का डिज़ाइन है या क्रिम्पिंग की लाइन है वो बहुत अच्छे से हमको नज़र आए। सो फ्रेंड्स, इस सेक्शन को हम कंप्लीट करके देन आपको नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एक सेक्शन कितना क्लीन से साफ से क्रिम्पिंग हो गया है। एंड देन हम बाकी तीन सेक्शंस जो हैं हमारे, उनको भी सेम वे में अपना क्रिम्पिंग करेंगे। सेम लेयर लेंगे, सेम टेक्निक के साथ हम करेंगे इसको भी। ताकि जो हमारे बाल हैं उनमें वॉल्यूम बहुत अच्छे से क्रिएट हो सके। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेयर लेंगे हम सेम टेक्निक के साथ एंड प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे अपने बालों को। देन अगेन सेम टेक्निक के साथ हम इस सेक्शन को भी क्रिम्पिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने दोनों सेक्शनों को क्रिम्पिंग कर लिया। अब और बाल में कितना अच्छा हमारा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। इस सेक्शन को भी हम सेम वे में सेम टेक्निक के साथ क्रिम्प कर लेंगे एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड सेक्शन। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप पहले के बालों को और अब के बालों में कितना डिफरेंस है, कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ है और एक नया लुक हमको मिला है, जिसे हम पार्टी में भी अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड सेक्शन सेम टेक्निक में। अच्छे से कॉम करेंगे एंड एक सेक्शन लेंगे, हमारे बाकी के बाल हैं उनको साइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेयर लेंगे हम अपने उसी टेक्निक के साथ
एंड क्रिम्प करना स्टार्ट करेंगे। देन अगेन सेम टेक्निक सेम लेयर। यहाँ पर मैंने बालों को दो पार्टों में इसलिए डिवाइड किया था इसलिए कि क्योंकि ये मेरे को थोड़े ज़्यादा लगे थे। अगर हम ज़्यादा ज़्यादा बाल लेते हैं क्रिम्पिंग में तो जो हमारी क्रिम्प होती है वो अच्छे से नहीं होती है, इसलिए अगर आपको लगे हाँ आपके बाल ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको थोड़ा कम कर लें, दो सेक्शन में डिवाइड कर लें जिससे कि आपकी क्रिम्पिंग और अच्छे से हो। तो जो हमने सेक्शन डिवाइड किया तो उसको हम अब ले लेंगे। आप देख सकते हैं क्रीम कितनी अच्छी हो रही है और बालों में साथ के साथ हमारे वॉल्यूम भी अच्छे से आ रहा है। इसको भी हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। देख सकते हो आप किस तरीके से मैं क्रिम्प कर रही हूँ बालों को। जो आपका सेक्शन होता है वो बहुत क्लियर होना चाहिए जिससे आपकी क्रिम्पिंग भी अच्छे से हो। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा जो थर्ड सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया है एंड अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ सेक्शन सेम इसी टेक्निक के साथ। सो फ्रेंड्स फोर्थ सेक्शन को भी हम सेम वे में सेम टेक्निक के साथ क्लिप करेंगे। पहले करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अच्छे से कॉम्ब एंड देन हम लेंगे लेयर जैसा कि हम और सेक्शनों में ली थी सेम उसी तरीके से। ये यहाँ से एंड जो हमारे ये बाकी के बाल हैं उनको हम क्लचर या सेक्शन क्लिप से होल्ड कर देंगे ताकि जो हमारे ये बाल हैं इनको बहुत अच्छे से क्रिम्पिंग कर सकें। अगेन कॉम एंड लेयर।
मुझे इस लेयर को लेने इसलिए जा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जो हमारी ये क्लाइंट है, इसके जो आगे के बाल हैं वो थोड़े कट हुए हुए हैं। ये लिए सेक्शन, इसको करेंगे टू पार्ट्स में डिवाइड एंड स्टार्ट क्लिपिंग। जो ये हमारे बाल थे जो हमने दो सेक्शन में डिवाइड किए थे, सेम टेक्निक के साथ इसे भी हम करेंगे क्लीन। सो फ्रेंड्स, हमारे अब जो सारे बाल हैं वो क्रिम्पिंग हो चुके हैं और एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्रिम्पिंग हुई है और कितना अच्छा लुक आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो।